देखिए हम लोग ये 11वां मुर्शिदाबाद हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा मुर्शिदाबाद हेरिटेज फेस्टिवल हो रहा है 11 से 13 मार्च के बीच में। इसमें बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और लोग जो है न्यूयॉर्क, लंदन और अमेरिका के कई प्रोविंस प्लस सिंगापुर, दुबई और कलकत्ता, अहमदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव से काफ़ी लोग आ रहे हैं। हर साल हम करते हैं। मेरा मुख्य कारण है कि हेरिटेज जो मुर्शिदाबाद में है, टेंजिबल इंटेंजिबल उसका प्रमोशन हो, वहाँ के जो जो संपदा है हेरिटेज की वो नष्ट होने से बचे, और चाहे वो फूड हो, चाहे वहाँ की हेरिटेज हो, चाहे वहाँ की किस्से कहानियाँ हो, चाहे वो वहाँ की लैंग्वेज, एक स्पेशल लैंग्वेज है शेरवाड़ी, वो हो, ये सारे प्रिजर्व हो जाए और ये टूरिज़्म बढ़ाने का कारण बने। और टूरिज़्म अगर बढ़ता है वहाँ का तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, लोगों की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, लोगों को वहाँ पर बिजनेस करने का काम बढ़ेगा। ये हम करते आ रहे हैं 11 साल से और इस साल सरकार, वेस्ट बंगाल सरकार हमारे साथ है और बार का जो फेस्टिवल है, हर साल जो है फेस्टिवल पहले साल से बेहतर होता है, बड़ा होता है साइज में और वैरायटी में। इस साल भी बहुत, दो साल हम कर नहीं पाए पैंडेमिक के कारण, इस साल दो साल बाद कर रहे हैं और इस साल हमें उम्मीद है कि पिछले सालों से बहुत बेहतरीन, क्योंकि इस बार हम हजारद्वारी पैलेस के सामने कर रहे हैं जो प्रोग्राम है और खाने पीने का जो प्रोग्राम है वासिफ मंजिल में कर रहे हैं, तो ये दोनों जो प्रॉपर्टी है सरकारी है ये पहली दफ़े हम लोग को मुहैया कराई गई, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा और मैं आग्रह करूँगा आपके पाठकों की आए और सहभागी। सर इसमें चीफ गेस्ट के तौर पर कौन उपस्थित रह सकते हैं? सर चीफ गेस्ट हमारे यहाँ होता नहीं, चीफ गेस्ट कोई है नहीं, ये रंगारंग कार्यक्रम है, कोई पॉलिटिशियन या कोई चीफ गेस्ट नहीं है। सर आपका स्पेशल फोकस इस फेस्टिवल में क्या रहेगा? स्पेशल फोकस इसमें वही है जो हर साल रहता है, हेरिटेज वॉक्स है, हेरिटेज कुजीन है, हेरिटेज डिस्कशन है, हेरिटेज के बारे में विचार विमर्श है, और इसके अलावा जो है वहाँ पे शाम को जो वहाँ की कला और संस्कृति है, जो वहाँ के फोक म्यूजिक है या फोक डांसिंग है उसका प्रोग्राम होगा, और वहाँ की जो क्राफ्ट एंड आर्ट एंड क्राफ्ट है, जो वहाँ की बालूचरी साड़ी है और वहाँ की जो हस्तकला है, जैसे वहाँ लकड़ी के ऊपर में कार्विंग का काम होता है, बोन के ऊपर में कार्विंग का काम होता है, वो सब जो वहाँ के जो कारीगर हैं वो अपना सामान वगैरह डिस्प्ले करेंगे, तो ये सब है वहाँ की कई चीज़ और स्पेशल है जो बहुत फेमस है, वहाँ का गुलाब जल है और कई चीज़ें हैं जो जिसका वहाँ पर प्रमोशन किया जाए। सर यह जैसे कि आपके पार्टनर है आज़ादी का अमृत महोत्सव या कोल वेस्ट बंगाल पुलिस, तो इनके तरफ से भी क्या प्रतिनिधि मौजूद रह सकते हैं? हाँ, ये तो पूरा वहाँ का जितना सेक्रेटेरिएट है, वहाँ जो अभी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो बहुत एक्साइटेड है, उनका पूरा डिपार्टमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर